खरगोन जिले के महेश्वर में पुलिस विभाग द्वारा अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है, जिसमें मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गांजे के 134 पौधे वजन 120 किलो 200 ग्राम कीमत लगभग 8,41,000 रुपए के जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुखबिर की सूचना प्राप्त होने पर निरीक्षक हाकम सिंह पवार अपनी टीम के साथ मुखबिर के बताए स्थान ग्राम टेकवा पहुंचे, जहाँ टीम के द्वारा ग्राम टेकवा में सिंगर मोहल्ले में रहने वाले संतोष पिता रुमाल सिंह जाति भील उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम टेकवा के खेत में दबिश देकर, जिस पर संतोष सिंगारे खेत में कपास की फसलों के बीच जगह जगह छोटे बड़े 5 फीट से लेकर 2 फीट तक के गांजे के पौधे लगे हुए मिले, जो पुलिस द्वारा संतोष सिंगार पर कार्रवाई करते हुए उसे खेत में सही पौधे उखाड़ लिए गए। गिनती करने पर कुल 134 पौधे वजन 120 किलोग्राम कीमत 8,41,000 रुपये लगभग जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर थाना महेश्वर पर अपराध धारा NDPC एक्ट का पंजीबद्ध कर लिया गया है। महेश्वर से विशाल अंबेकर की रिपोर्ट। ये हमारे वरिष्ठ अधिकारी ADGP महोदय श्री मिलिंद खानेचकर साहब, DIG महोदय श्री MS वर्मा साहब, पुलिस अधीक्षक महोदय श्री सुनील कुमार पांडे साहब और एडिशनल SP महोदय श्री कनकने साहब, SDP महोदय श्री मानसिंह साहब के लगातार निर्देश प्राप्त हो रहे थे कि अवैध मादक पदार्थ, अवैध शराब वगैरह ये सब पे ठोस कार्रवाई करना है, पकड़ना है। इसी तारतम्य में कल मुखबिर की सूचना पर ये ग्राम टेकवा जो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, संतोष पिता रुमाल सिंघारे उम्र 40 साल निवासी है टेकवा गांव का, अपने 2 बीघा के आसपास कपास के खेत में गांजे के पौधे इसने उसी समय बो दिए थे, जो जिनकी हाइट कम से कम 3 से 4 फीट के करीब थी, जो जाकर पूरी टीम के साथ, टीम में SI तिवारी, हवलदार, आरक्षक ये वगैरह सब टीम में 4-5 लोग जाके वहाँ पे जाकर हमने तबीज देकर उसको संतोष सिंगारे को पकड़ा, जो उसके कपास के खेत में पौधे उगाए थे। तो पूरी कार्रवाई गवाहों के समक्ष मौके पे की गई, जिसमें उसने तोल किया तो 1 क्विंटल 20 किलो उसमें गांजा पाया गया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमत 8,41,400 रुपये है, जो वहाँ मौके पे कार्रवाई कर ये पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है महेश्वर नगर के लिए, जो अवैध मादक पदार्थों में लिप्त रहते अभी तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। सर, अभी लगभग एक महीने में ये दूसरी पुलिस की बड़ी कार्रवाई गांजे को लेके, भविष्य में भी क्या? हाँ, आप लोगों ने पहले भी ये सवाल किया था, मैंने कहा कि ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और आगे भी इस तरह की अगर सूचना मिलती है और कोई अवैध मादक पदार्थ पाया गया तो निश्चित ही ठोस और वैधानिक कार्रवाई होगी। थैंक यू सर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को